पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ भाजपा बिहार के तरफ से मैं उपेंद्र सिंह प्रदेश मीडिया प्रभारी। आज हम लोग सभी बिहार के पूर्व सैनिक सुशांत सिंह मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हैं, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस ने अभी तक जो इस केस में कार्रवाई किया है वह संतोषप्रद नहीं लगता। फर्स्ट स्टेज में वहां की पुलिस ने इसे सुसाइड करार दे दिया था 15 मिनट के अंदर। बिना जांच के कोई सुसाइड कैसे बता सकता है? हमें इस कार्रवाई में इस कार्रवाई को दबाने के ऊपर किसी बड़े लोगों का हाथ नजर आता है। हम लोग पूरे बिहार के जनता पूर्व सैनिक महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई जांच की प्रशंसा करने के लिए अनुरोध करते हैं, और अनुरोध क्या किया जाए उस सरकार से जो कि हमारे बिहार से गए हुए आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी जी को जबरदस्ती 11 बजे रात में कल क्वारंटाइन कर दिया गया। हमारी जब बिहार की पुलिस गई थी उस समय तो क्वारंटाइन नहीं किया गया, क्योंकि उन लोगों को लगा कि ये लोग क्या जांच करेंगे। और जब हमारे बड़े पदाधिकारी वहां पहुंचे, हमारे बिहार के डीजीपी बिहार सरकार को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक सीनियर प्रजा और इस केस को, और जो पहले भी गए हुए हैं हमारे जो भी पुलिस पदाधिकारी वहां पर, जो एक जांच को सही दिशा वहां पर जाकर प्रदान किया है, और बहुत सी राज वहां पर उन्होंने हासिल कर लिया है। इसमें सरासर जो है महाराष्ट्र सरकार इस केस को लीपापोती करने में लगी हुई है। क्या प्रॉब्लम है अगर सीबीआई जांच का अनुशंसा वो लोग कर देते हैं तो? एक देश का उभरता हुआ कलाकार, खुशमिजाज इंसान जो पूरे बिहार के साथ साथ भारत देश का नाम रोशन किया है, अगर उसको सही न्याय मिल जाए तो इसमें महाराष्ट्र सरकार को दिक्कत क्या है? महाराष्ट्र सरकार को दिक्कत हम लोग को नजर आने लगी है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। पूरे बिहार की जनता को अब शक हो रही है कि ये आईपीएस अधिकारी को क्वारंटाइन करने का सिर्फ एक ही मतलब है कि केस का जो सबूत है उसे मिटाया जा सके। 30 तारीख के बाद रिया चक्रवर्ती गायब है। जब मेन आदमी मेन उसमें का उसका लिव इन रिलेशन का फ्रेंड थी जो उसके साथ रहती थी, तो मुंबई पुलिस उसको कहीं जाने क्यों दिया? उसको क्यों नहीं बोली कि जब तक जांच होता है आप यहीं पर मुंबई में रहेंगे? इसमें फिर से मैं आग्रह करता हूं महाराष्ट्र सरकार से और केंद्र सरकार से दखल देने के लिए भी हम लोग कहते हैं कि इसको जल्द से जल्द सीबीआई जांच का अनुशंसा किया जाए, क्योंकि सबूत को मिटाया नहीं जा सके। और एक बिहार के लाल देश का खुनहार जो कलाकार थे सुशांत सिंह राजपूत, उनको सही इंसाफ मिल सके, उनके परिवार को सही न्याय मिल सके कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अगर ऐसा आत्महत्या किया है तो क्यों किया, क्या कारण था? लेकिन हम फिर बोलते हैं कि यह आत्महत्या है ही नहीं, यह सरासरी जो आर भारत ने खुलासा किया है, जो वहां पर लोगों से बयान लिया है, ये सरासरी मर्डर लगता है। इसलिए बिहार सरकार को इसमें सीबीआई जांच के लिए केंद्र से बात करना चाहिए और केंद्र को हस्तक्षेप करते हुए इसमें सीबीआई जांच का गठन करना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।